तो आज की इस वीडियो में हम इन दो बोतल में से ये देखने वाले हैं कि किस बोतल के अंदर से पानी पहले खत्म होगा। ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों बराबर लेवल पे भरी हुई हैं, दोनों के साथ में एक पाइप को कनेक्ट कर दिया है सेम हाइट पे, बट इस पाइप की जो लेंथ है वो ज़्यादा है, इस पाइप की जो लेंथ है वो कंपेरेटिवली कम है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ढक्कन को खोलेंगे तो पानी तो बाहर निकलेगा, बस देखना यह है कि किस कौन सी बोतल पहले खत्म होगी। तो जनरली जो ह्यूमन टेंडेंसी है वो क्या कहेगी हमारी कि इसमें पानी को जो है कम ट्रेवल करना पड़ेगा तो ये वाली बोतल खत्म हो जाएगी, ये हमें अब देखना है। तो मैं दोनों ढक्कन को एक साथ खोलने वाला हूँ। 1, 2, 3। ये वाली जीत गई। अब देखो, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हुआ कि ये वाली खत्म होनी चाहिए थी, बट पहले खत्म ये वाली हो गई। रीजन समझते हैं अब इसका क्या हुआ कि भाई ऑब्वियसली एयर प्रेशर की वजह से ही जो है हमारा पानी बाहर फ्लो हो रहा है। हम क्या खोलते हैं, प्रेशर लगता है तो पानी बाहर निकलता है। अब जो आपका प्रेशर है वो क्या वो डेप्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता? अगर हम फॉर्मूला देखें तो क्या वो डेप्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता? तो जिसकी हाइट ज्यादा होगी उसकी डेप्थ ज्यादा होगी, और अगर इसकी डेप्थ ज्यादा है तो ऑब्वियसली इसकी डेप्थ तो यहीं तक है ना, यहाँ से इसकी डेप्थ यहाँ से लेके यहाँ तक तो ज्यादा है, तो जिसकी डेप्थ ज्यादा होगी उस पर प्रेशर ज्यादा लगा, प्रेशर ज्यादा लगा तो ऑब्वियसली जो फ्लो होगा वो बढ़ जाएगा, इस वजह से जो है हमारी ब्लू वाली बॉटल पहले खत्म हो गई।